ललित तड़ियाल सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आपको बता दें कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में ललित ने भारत के लिए रजत पदक जीता है, जिसके लिए राज्य सरकार ने खिलाड़ी को 3 लाख रुपए देने को कहा था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी खेल विभाग चुप्पी साधे है। 2012 में इंटरनेशनल SGFI में उसका सिलेक्शन हुआ है, भारतीय की SGFI की टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद 2015 में उसका पुणे से सैफ गेम के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश को हरा कर उस टीम ने जो है एक पेनल्टी शूट आउट में 90 मिनट तक कोई फैसला नहीं हो सका, तो पेनल्टी शूट आउट में जो है भारत को जो है 1-0 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक पहली बार भारत के खाते में आया है। वहीं खिलाड़ी के पिता का कहना है कि राज्य सरकार ग्रामीण खिलाड़ियों को अनदेखा कर रही है और कई बार खेल विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। एक बाइक चोर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि नशे में धुत चोर बाइक चोरी कर भाग रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर चोर को दबोच लिया और चोर की जमकर धुनाई कर डाली, जिसके बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने चोर को अस्पताल में भर्ती कराया है। गुड़िया रेप मर्डर केस और लॉकअप हत्याकांड में CBI हिरासत में चल रहे शिमला के पूर्व SP DW नेगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने नेगी की 3 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 23 नवंबर को बाकी आरोपियों के साथ नेगी की पेशी होगी। गुड़िया रेप और हत्या मामले में न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। शिमला में गुड़िया न्याय मंच ने AG चौक पर CBI कार्यालय के बाहर हल्ला बोला और सरकार समेत CBI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। EVM हैक करने का दावा करने वाले शख्स को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर EVM हैक करने की कोशिश करने और प्रत्याशियों को ट्रैप करने के संगीन इल्जाम है। चंबा की सरोल पंचायत में कुरान की बेअदबी का मामला सामने आया है। शरारती तत्वों ने मस्जिद में रखी कुरान को बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वहीं सूचना मिलते ही SP चंबा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का आश्वासन दिया। चंबा में इन दिनों गैस एजेंसियों की लूट देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडरों में पानी भरा जा रहा है। सिलेंडरों में बस 1.5 किलो गैस भरी जाती है और बाकी सारा पानी भरा होता है। लोगों ने इस बाबत कार्रवाई की मांग की है। सोलन बस अड्डे में दिन दहाड़े बस के अंदर ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। इसका सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ कर्मचारी HRTC की बस के अंदर पत्ते खेल रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अड्डा इंचार्ज से फटकार भी लगाई जाती है। बिलासपुर के मोलियावर गांव में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी का रहने वाला परिवार यहां पुराने मकान में रह रहा था, तभी अचानक दीवार गिरने से बाप बेटे की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ज्वालामुखी के कथोग और बालूग्लोआ में अप्रैल के महीने में हुई ATM लूट की वारदात को सुलझा लिया गया है। करीब 8 महीने बाद पुलिस ने इस मामले में अमृतसर से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुंदरनगर की नीना चौधरी का चयन महिला क्रिकेट की इंडिया ए टीम में हुआ है। नीना 1 दिसंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए खेलेंगी। नीना के चयन के बाद से उनके गांव में खुशी की लहर है। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में भारत श्रीलंका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर टिकट की बुकिंग दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन और काउंटर पर भी मैच की टिकटें आसानी से मिल सकेंगी। बंगई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ दबंग एक गेस्ट हाउस का गेट तोड़कर अंदर आकर परिवार के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह दबंग बेखौफ होकर महिलाओं और उनके परिवार पर दबंगई के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला कादरी गेट पुलिस चौकी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर बंद पड़े एक गेस्ट हाउस में हुआ।